तो दोस्तों काफ़ी सारे छात्र छात्राओं ने कमेंट किया कि कॉमर्स का जो है इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ 9 फरवरी 2021 के डेट में सेकेंड शिफ्ट में उसका आंसर की अपलोड कीजिए। तो फाइनली जो है यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स आने की अर्थशास्त्र का जो है यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक का जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर 110% जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है लेकर आ चुका हूँ। जो सारा का सारा आंसर जो है आप लोग को सही एवं सटीक जो है आप लोग को देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे जो है आप लोग को यूट्यूब पर जो है यहाँ पर गलत आंसर जो है यानी कि रॉन्ग आंसर जो है आप लोग के बीच जो यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप लोग जो है सही से एक बार जो है अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है एक बार मिलान कर लीजिए कि आप लोग का कितने ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर सही है। यहाँ पर जो है आप लोग का एक भी क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आप लोग को रॉन्ग नहीं देखने को मिलेंगे, नहीं एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है इस वीडियो में मैं छोड़ेंगे। सारा का सारा यानी कि जो है यहाँ पर 1 से लेकर 100 का जो है यहाँ पर सही एवं सटीक आंसर की जो है आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग सारा का सारा आंसर की जो है आप लोग मिला लीजिए जो हमारे पास सेट जो है बी अवेलेबल है। हो सकता है आपके पास जो है सेट कोड कुछ भी अवेलेबल हो लेकिन जो आप लोग क्वेश्चन को जो है आप लोग खोज कर मिला सकते हैं। अगर आपके पास सेट कोड यहाँ पर बी है तो आप जो है नंबरिंग बाई नंबरिंग से जो यहाँ पर मिला सकते हैं, सीरियल बाई सीरियल से यहाँ पर आप लोग के पास जो है सेट कोड बी है। तो चलिए यहाँ पर जो है फटाफट से जो है यहाँ पर आंसर की देख लेते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स आने की अर्थशास्त्र का। इससे पहले जो आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो है आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल बेल घंटी जगह उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है फटाफट से जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो आंसर की देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, तो ये जो है कीमित स्थिरता जो है यहाँ पर मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र जो यहाँ पर मिलाते चलिएगा सेम आंसर की जो है सेम है यहाँ पर आप लोग मिलाते चलिए यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा तो जो है वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि जो है आप लोग को पहले जो यहाँ पर अकाउंटेंसी का जो यहाँ पर एग्जाम है तो आपको समय मैं बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो दो नंबर क्वेश्चन है, जनता का बैंक कौन सा है। जनता का बैंक कौन सा है, तो जनता का बैंक जो है व्यापारिक बैंक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर तीन नंबर, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, तो बैंक का एजेंसी कार्य जो है यहाँ पर जमा आविष्कार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर चार नंबर क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो आप सभी को पता होंगे कि ऑटोमेटेड जो है टेलर मशीनें आप लोग को मैं जितने सेट में प्रोवाइड कराए थे यानी कि 1 से लेकर 6 सेट जो है आप लोग को बीच प्रोवाइड कराए थे उसमें से जो यहाँ पर 80% जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में यहाँ पर क्वेश्चन जो यहाँ पर मिल रहा है। जो छात्र जो है जो स्टूडेंट जो है 1 से 6 तक का सेट देखे होंगे वे जो है यहाँ पर बल्ले बल्ले यहाँ में जो यहाँ पर 50 में 50% जो यहाँ पर मार के आ गए होंगे उसका जो है 50 में 50 जो यहाँ पर सही होंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन सा है। व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन सा है, तो ये जो है इनमें से सभी हो जाएंगे। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों द्वारा आविष्कार की जाने वाली प्रमुख जमाएँ कौन सी है। व्यापारिक बैंकों द्वारा आविष्कार की जाने वाली प्रमुख जमाएँ कौन सी है, तो ये जो है यहाँ पर डी हो जाएंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात, यानी कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात का क्या होंगे, तो ये जो है घटता है। तो राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो ये जो है यहाँ पर चलन मुद्रा जारी की जाती है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है साख नियंत्रण का परिणात्मक जो है यहाँ पर उपाय नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर आप लोग को नैतिक दबाव है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है यहाँ पर केंद्रीय बैंक है। तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से है। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से है, तो ये जो है यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। तो ये जो यहाँ पर किया मार्शल ने, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 13 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो ये जो है यहाँ पर होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा। तो राइट आंसर 13 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है, तो ये जो है यहाँ पर आप लोग को कीमत को ग्रहण करती है। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, तो अति अल्पकाल में जो पूर्ति होगी पूर्णत बेलोचदार होंगी, तो इसका राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 16 नंबर, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त जो है पूरी होनी आवश्यक है। तो ये जो है यहाँ पर कौन सी शर्त हो जाएंगे, तो बी और सी दोनों, यानी कि जो यहाँ पर डी सही, यानी कि एम आर बराबर जो है एम सी एवं एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे, इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में किसके द्वारा जो है स्थापित होता है, तो ये जो है यहाँ पर ए और बी दोनों के द्वारा स्थापित होता है, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 18 नंबर लगान है तो लगान जो है वास्तविक आय हस्तांतरण आय है, यानी कि राइट आंसर जो यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द माइक्रो ग्रीक भाषा के शब्द के माइक्रो से लिया गया जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ जो हो जाएंगे सूक्ष्म हो जाएंगे, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी जो है सीमाएं हैं, तो ये सीमाएं जो है यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, ह्रासमान विस्थापन दर में होती है, ह्रासमान विस्थापन दर में होती है, तो ह्रासमान विस्थापन दर में जो होती है यहाँ पर जो है और बी दोनों हो जाएंगे, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, मांग में कौन सा जो है तत्व निहित होना आवश्यक है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, तो ये जो है यहाँ पर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी, राइट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है, तो ये जो है यहाँ पर अनिवार्य वस्तुएं की, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले जो है प्रयोग किया जाता है वे कहलाती है, तो वे क्या कहलाती है, वे जो है यहाँ पर पत्र जो है वस्तुएं कहलाती, स्थान पात्र जो है वस्तुएं कहलाती, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 26 नंबर है, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, तो ये जो dx बराबर fpx व्यक्त करता है, तो राइट आंसर सी सही है 26 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 नंबर, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन सा कारण है, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन सा कारण है, तो ये जो कारण हो जाएंगे इनमें से सभी कारण है, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, नीचे की ओर जो है घिसक जाता है, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है, तो ये जो व्यक्त करता है वो आवश्यक वस्तु है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से है, तो ये जो है यहाँ पर इनमें से सभी घटक है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को, महामंदी किस वर्ष आई, महामंदी किस वर्ष आई, तो महामंदी जो आई थी 1930 ईस्वी में, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 32 नंबर, किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में कौन है, तो ये जो है यहाँ पर आप लोगों को ए और बी दोनों है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर निम्नलिखित में कहाँ है, कहाँ स्थापित होगा, तो ये जो स्थापित होगा यानी कि डॉट नेट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9 से 12 बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नेट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया बराबर ए इसमें, तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर 34 नंबर क्वेश्चन है, किन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है, किन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो किन्स का सिद्धांत का संबंध जो है इनमें से सभी से, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, किन्स का गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच जो है संबंध स्थापित करता है, तो ये जो है यहाँ पर निवेश तथा आय के बीच जो है संबंध स्थापित करता है, तो राइट आंसर आप लोग को ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 36 नंबर है, गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा जो है व्यक्त किया जा सकता है, गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र के द्वारा जो है व्यक्त किया जा सकता है, तो ये जो सूत्र हो जाएंगे के बराबर त्रिभुज आई बाई जो है यहाँ पर त्रिभुज आई हो जाएंगे, राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, किन्स के गुणक को निम्नलिखित में से कौन से जो है तत्व प्रभावित कर सकते हैं, किन्स के गुणों को निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों, यानी कि राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 38 नंबर है, एमपीसी का मान क्या है, एमपीसी का मान क्या है, तो एमपीसी का मान जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, 0 से अधिक किंतु 1 से कम, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, यदि एमपीसी बराबर 0.5 और आरंभिक विनियोग 100 करोड़ है, तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी, तो कुल यहाँ पर जो है कुल आय में वृद्धि जो होगी कितना होगी, तो ये जो है ₹200 करोड़, यानी कि राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर है, रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कौन थे, रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कौन थे, तो ये जो थे यहाँ पर कौन थे, तो ये जो है यहाँ पर जो थे यहाँ पर 40 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को
बी काहन थे, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के जो विषय जो है यहाँ पर राष्ट्रीय आय का सिद्धांत है, तो राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो ये जो है इनमें से सभी शामिल है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो ये जो शामिल है ए और बी दोनों है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 44 नंबर, तीन क्षेत्रीय मंडल में जो है निम्नलिखित में कौन शामिल है, तीन क्षेत्रीय मंडल में जो है निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो ये जो शामिल है इनमें से सभी, तो राइट आंसर आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर 45 नंबर क्वेश्चन, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है, तो ये जो शर्त जो है यहां पर हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम हो जाएंगे, तो राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही है 45 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 46 नंबर, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं जो है यहाँ पर सम्मिलित है, तो द्वितीय क्षेत्र में जो सेवाएं सम्मिलित है यहाँ पर जो है आप लोगों को निर्माण सेवाएं सम्मिलित है, तो राइट आंसर जो यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है 47 नंबर क्वेश्चन है, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संघटक कौन है, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का के घटक कौन है, तो ये जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है डी सही है, उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 नंबर, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे जो है शामिल किया जाता है, तो लगान, मजदूर, वेतन, ब्याज, लाभ, राइट आंसर जो है डी सही है 48 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 49 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोगों को कुल घरेलू आय कहते हैं, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को यहां पर 50 नंबर है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, तो ये जो है इनमें से सभी व्यवस्था जो यहां पर सम्मिलित रहता है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है, उत्पाद संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां है, उत्पाद संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां है, तो ये जो रीतियां है ए और बी दोनों, तो राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52 नंबर क्वेश्चन है, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध का क्या जो है व्यक्त करता है, तो ये जो व्यक्त करता है पूर्ति का नियम का, तो राइट आंसर आप लोग को हो जाएंगे सी, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए जो है तैयार हो, तो ये जो है पूर्ति कहते हैं, तो राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी, तो पूर्ति की लोच जो होगी इकाई से अधिक होगी, तो राइट आंसर आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जोड़ा सही है, इसमें से निम्न में से कौन सी जोड़ा सही है, तो इनमें जो जोड़ा सही है इनमें से सभी जोड़ा है राइट है, तो राइट आंसर आप लोग को डी सही है 55 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर जो है 56 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो परंतु वस्तु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो, ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी, तो ऐसी वस्तु की पूर्ति बेलोचदार होगी, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है यहाँ पर बाजार प्रवृत्ति को, तो राइट आंसर आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ये जो कथन जो आप लोग को इनमें से सभी कथन सही है, तो राइट आंसर आप लोग को 58 का डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ये जो कथन सही है एक क्रेता और अधिक विक्रेता, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो 60 का सी सही है, विज्ञापन तथा विक्रय लागते, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, नरसिम्हम की समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है, नरसिम्हम समिति के संबंध किससे है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को 61 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सी सही है, यानी कि कृषि सुधार से, नरसिम्हम समिति का संबंध जो है कृषि सुधार से है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 62 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई, ये जो की गई यहाँ पर किस वर्ष की गई, तो ये जो यहाँ पर की गई आप लोग को बी सही है, यानी कि जो है यहाँ पर 1995 ईस्वी में, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है 63 नंबर क्वेश्चन है आप लोग को, भारत में
जो यहाँ पर 14 बड़े अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 30 वर्ष किया गया, तो ये जो वर्ष किया गया यहाँ पर 1969 में, तो राइट आंसर आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित कौन है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित कौन है, तो ये जो है यहाँ पर डी हो जाएंगे आप लोग को, ए तथा बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 65 नंबर है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से है, तो निवेश के निर्धारक घटक जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो ए और बी दोनों राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, कीन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है, कीन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है तो क्या है, तो ये जो है वास्तविक विनियोग से है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है, एपीसी योग एपीएस बराबर है, एपीसी योग एपीएस बराबर है तो क्या है, तो ये जो है ए वन है, तो इसका राइट आंसर जो बी सही है, वन के राइट आंसर बी सही। चलिए नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेटेड इकोनॉमिक्स पोलिटिक्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो पीगू है, तो राइट आंसर आप लोग को ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर जो है निर्भर है, तो ये जो निर्भर है आप लोग को है प्रभावपूर्ण मांग पर, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, ब्रिटिश अर्थशास्त्र जे एम कीन्स के प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष जो है प्रकाशित हुई, तो ये जो प्रकाशित हुई यहाँ पर 1936 में, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 71 नंबर, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं जो है सम्मिलित है, तो ये जो सेवाएं सम्मिलित है आप लोग को कौन सी है, सांबार है, तो राइट आंसर जो आप लोग को 71 का क्या सही है, तो सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को 72 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो प्राथमिक क्षेत्र में इनमें से सभी शामिल है, तो राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोगों को क्या, तो यहाँ पर डी सही है 72 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है होना चाहिए बहुल गणना होना चाहिए, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है आप लोग को कन्फर्म पाता है तो आप लोग वीडियो को नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है, तो इनमें से सभी है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन सी लाभ है, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन सी लाभ है, तो ये जो लाभ है आप लोग को इनमें से सभी, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे जो है शामिल किया जाता है, तो ये जो है ए और बी दोनों को शामिल किया जाता है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 77 नंबर है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थव्यवस्था का जो है चक्कर लगाता है, तो ये जो लगाता है यहाँ पर कौन, यहाँ पर मार्शल ने, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा का कार्य क्या है, तो मुद्रा का कार्य जो है आप लोगों को यहाँ पर हो जाएंगे मूल्य का संचय, राइट आंसर 78 का सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 79 नंबर, मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है, तो मुद्रा जो है यहाँ पर इनमें से सभी वस्तु है, तो राइट आंसर जो है आप लोग को क्या सही है, तो डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है, तो इनमें से सभी आशय है, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, तो यहाँ पर कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है, तो ये जो कारण है यहाँ पर क्या है, तो सी है, यानी कि ए और बी दोनों कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये जो है यहाँ पर पैमाने के प्रतिफल नियम से है, तो राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है, तो ये जो है इनमें से सभी वक्र है, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के साधन क्या है, उत्पादन के साधन क्या है, तो उत्पादन के साधन जो हो जाएंगे इनमें से सभी, राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 86 नंबर, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, तो ये जो है कच्चे माल की लागत जो है स्थिर लागत नहीं है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 87 नंबर है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, तो ये जो है यहाँ पर आर्थिक लागत है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, जब औसत लागत घट रही है तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है, तो ये जो होती है यहाँ पर जो है क्या होती है, तो यहाँ पर जो है आप लोग को 88 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सी सही है, एमसी से छोटा जो यहाँ पर एसी हो जाएंगे, तो राइट आंसर जो यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोग को जो है 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में जो सीमांत आगम एएमआर शून्य अथवा जो है ऋणात्मक हो सकता है, तो ये जो हो सकता है ए और बी दोनों, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को 90 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिकार एवं एक अधिकारी प्रतियोगिता में होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर ए आर सी द्वारा जो यहाँ पर एएमआर होता है, तो राइट आंसर जो है
बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 91 नंबर है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, तो इनमें से सभी है, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 92 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र है, उत्पादन जो है संभावना वक्र है, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो ये जो है यहाँ पर अक्ष की ओर अनुतोदर की होती है, यानी कि अक्ष की ओर जो है उत्तोदर की ओर होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, तो ये क्या होता है, तो अधिकतम लोक कल्याण होता है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है पूंजीवादी, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 95 नंबर, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले है, तो कौन है, रैगनर है, रैगनर फ्रिस है, तो राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 96 नंबर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये जो किया जाता है यहाँ पर इनमें से सभी को, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, उपयोगिता का गुणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, तो ये जो है यहाँ पर किसने प्रस्तुत किया, तो मार्शल ने किया, तो राइट आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो सीमांत उपयोगिता जो है यहाँ पर शून्य हो जाती है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 99 नंबर है, उदासीनता वक्र होता है, तो उदासीनता वक्र जो है क्या होता है, तो उदासीनता वक्र जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोगों को 99 का मूल बिंदु की ओर उत्तोदर होता है, तो राइट आंसर 99 का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन है, तटस्थ वक्र की झुकाव होता है, तो बाएं से दाएं की ओर, तो राइट आंसर 20 सही है। तो इस वीडियो में यहाँ पर जो है आप लोग को 1 से लेकर 100 का जो है यहाँ पर सही एवं सटीक आंसर की जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो है आप लोग के बीच प्रोवाइड करा दिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारा का सारा आंसर की जो है मिला लिए होंगे। आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितने जो है ऑब्जेक्टिव सही है, आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।